माननीय रालसा के निर्देशानुसार एवं माननीय डीजे साहब श्री सक्सेना साहब के निर्देशानुसार आज अजमेर जिला न्याय क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। गत दोनों राष्ट्रीय लोक अदालतों में बहुत अधिक संख्या में जो आम जनता है अजमेर शहर की, उनका बड़ा रुझान था और अच्छी संख्या में हमारे केसेस जो बहुत पेंडिंग केसेस थे, जो कई कई केसेस तो ऐसे थे जो 30-30, 40-40 सालों से पुराने पेंडिंग चल रहे थे, वो राजीनामा और समझाइश के माध्यम से निपट गए। उसी तर्ज पर आज ये तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुबह से ही लोगों में भारी उत्साह है और हमारे जो माननीय पीठासीन अधिकारी हैं प्रत्येक कोर्ट के, वो बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी समझाइश के साथ पैनल एडवोकेट्स जो मेंबर हैं वो, और जितनी भी बेंच हमने 45 बेंच गठित करी हैं, जिसमें 10,423 केसेस को आइडेंटिफाई किया हुआ है। हमारा लक्ष्य कम से कम 1800 केसेस का डिस्पोजल करना है जो पुराने केसेस हैं, और उसी दिशा में हमारा कार्य भी सकारात्मक रूप से हो रहा है। फैमिली कोर्ट्स के डिस्प्यूट्स हैं, MSET के डिस्प्यूट्स हैं, दीवानी मामले हैं, कंपाउंडेबल केसेज हैं, इवन जो प्री लिटिगेशन केसेज हैं, ऐसे केसेस जो बाद में बैंक बीमा या वित्तीय मामले जो हैं वो बाद में कोर्ट में आ सकते हैं, ऐसे मामले भी प्री लिटिगेशन में तकरीबन हमने 5,000 मुकदमे आइडेंटिफाई किए हुए हैं और उन सब में समझाइश का दौर जारी है। अच्छी संख्या में केसेस डिस्पोजल भी हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट संख्या का अनुमान इवनिंग टाइम में 4-5 बजे तक हो पाएगा। आज 45 बेंचेज का गठन किया गया है पूरे अजमेर जिला न्याय क्षेत्र में, और उनमें 10,423 जो पेंडिंग केसेज हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनमें निस्तारण के पूरे प्रयास किए। फैमिली कोर्ट में कुछ हुआ? जी, फैमिली कोर्ट में डिस्पोजल चल रहे हैं, करीब 5-6 केस अब तक राजीनामा के माध्यम से निस्तारित किए जा चुके हैं और रीयूनियन भी किया जा रहा है। जैसे पति पत्नी में यदि किन्हीं मामलों को लेकर कटुता बढ़ी है तो माननीय पीठासीन अधिकारी साहब के निर्देशानुसार अभी उनमें समझाइश के माध्यम से वापस पुनर्मिलन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।